अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द चिकन वर्ल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान फरोख चली। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि छोटे चिक्स में सेक्सिंग को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, सेक्सिंग से मुराद क्या है और किस तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि मेल और फीमेल चिक्स कौन से हैं, और बिल्कुल आप डे ओल्ड चिक्स में भी इवन ये देख सकते हैं। और आज जो हम आपको जिस पे डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं वो हमारे पास माशाल्लाह बॉर्ड रॉक्स के चिक हैं और ये बिल्कुल अभी 1 वीक ओल्ड हैं। तो मैं अभी जो है फैसल भाई मेरे पार्टनर हैं, मेरे कज़न हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे सेक्सिंग के हवाले से। तो ओवर टू फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि फ़रख ने आपसे इंट्रोडक्शन कराया कि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने बार्ड प्ले माउथ रॉक के चिक्स की सेक्सिंग कैसे करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रीड, इसको जो है वो ऑटो सेक्स ब्रीड भी बोलते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि आप इसकी डे ओल्ड चिक्स की भी सेक्सिंग कर सकते हैं। और इसकी तीन जो अमूमन हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो तीनों मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वो तीन ट्रिक्स बताता चलूँ। इफ़ वी कैन फोकस ऑन द चिक, यू कैन सी के इस चिक के हेड के ऊपर एक डिफाइंड स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर इट इज़ नॉर्मली अ येलो स्पॉट और वाइट स्पॉट। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इस चिक की लेग्स आप देख सकते हैं, इसकी चिक्स की लेग आप अगर देखें तो दीज आर डार्कर इन कलर। और ये फिर इसके अलावा आप इसके अगर देखें तो अभी इसके बाज निकलना नहीं शुरू हुए। मैं आपको दूसरा भी चिक दिखाऊंगा जिसके फेदर्स निकलना शुरू हुए हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पे हम देख सकते हैं कि ये चिक मेल है या फीमेल है। अच्छा, अब चलते हैं कि हमने इनको डिस्टिंग्विश कैसे करना है। तीन क्वालिटीज़ तो हमने देख ली कि इनके सर पे जो स्पॉट होता है आप इस पे देखिएगा, इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड स्पॉट, ये कहीं भी फैला हुआ नहीं है, गर्दन की तरफ नहीं जा रहा। इन कंपेरिजन टू द मेल चिक अगर हम देखें तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मेल चिक के ऊपर इसका जो स्पॉट होता है वो नीचे गर्दन की तरफ फैला होता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पॉट ऑन दिस हेड, दिस वन, ठीक है। तो चूंकि अब ये वेल डिफाइंड स्पॉट है तो इट इज़ अ फीमेल, जबकि मेल जो चिकन होता है उसका स्पॉट ये गर्दन की तरफ फैला होता है। फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इसके लेग्स का कलर विच इज़ वेरी डार्क इन कलर, और बड़ी पतली टांगें होती हैं फीमेल्स की। तो डार्क कलर और पतली टांगों के साथ जो भी चिक होता है बार्ड प्लेमाउथ रॉक का, दैट इज़ अ फीमेल। फिर आप इसके अभी हम आपको पैटर्न्स दिखाएंगे। यूजुअली ये होता है कि जब इनके फेदर्स निकलना शुरू होते हैं तो देर आर ऑलरेडी इन द पैटर्न, क्योंकि इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके, उसकी वजह से इनके डोमिनेंट क्रोमोसोम फीमेल में जो होते हैं वो इनमें ज़्यादा डार्क कलर देते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर इनका वाइट कलर का क्रोमोसोम डोमिनेंट होता है जिसकी वजह से उसमें वाइट बार ज़्यादा आती हैं। तो लेट्स मूव ओवर, मैं आपको अब मेल चेक दिखाता हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके नाज़रीन, अभी आप देखें मैंने अभी ये दो जो हैं वो 15 डेज ओल्ड के चिक्स लाए हैं, बिकॉज इनके अभी पैटर्न ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं और इनके अभी तक सर पे भी पैटर्न ग्रो नहीं हुए। सो वी कैन सी देयर कि इनके सर के ऊपर आप देखें, मेल के ऊपर आप देखें, सर के ऊपर जो स्पॉट है दैट इज़ वेल स्प्रेड, वो एक जगह पर नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं है, वो गर्दन की तरफ फैल रहा है। फीमेल में आप देखें कंपेरेटिवली सिर्फ एक जगह पर स्पॉट है। सो दिस वन इज़ द फीमेल विद अ वेल डिफाइंड स्पॉट एंड दिस वन इज़ अ मेल जिसमें आपके सर के ऊपर स्पॉट फैला हुआ है, ठीक है। नंबर टू इज़ आप इनकी पैटर्न्स देखिएगा, अगर तो आपको देखने में ही महसूस हो रहा है कि ब्लैक इसमें वाइट कलर ज़्यादा है और इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है। अब जब भी ये चिक्स जो हैं बार्ड प्लेमाउथ रॉक के ये पैटर्न फेदर ग्रो करना शुरू करते हैं तो फीमेल में ब्लैक कलर ज़्यादा आता है और मेल में वाइट कलर ज़्यादा आता है। सो फ्रॉम द पैटर्न यू कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट के कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जिसमें वाइट ज़्यादा है दैट इज़ अ मेल, एंड जिसमें ब्लैक पैटर्न ज़्यादा है, मतलब आप देख सकते हैं ब्लैक की पट्टी का विड्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट वन, और इसमें आप देखेंगे वाइट की पट्टी का चौड़ाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वन, तो ये मेल है और ये फीमेल है। फिर अगर आपके पास डे ओल्ड चिक्स हैं और उनमें आपके पास पैटर्न नहीं होते तो आप इनके फीट और हेड स्पॉट से डिफाइन करते हैं। अब आप इसके फीट देखिए, दैट आर दे आर कंपेरेटिवली ब्लैक, ठीक है, डार्क हैं, जबकि आप इसके फीट देखें तो दे आर कंपेरेटिवली वाइट और येलो, आप जिसको कह सकते हैं। देख सकते हैं कि डे ओल्ड में हमने इनकी सेक्सिंग पे डे ओल्ड के तो फेदर्स नहीं होंगे। तो फिर आपके पास नंबर टू जो पॉइंट आता है वो इनकी लेग के कलर और लेग की थिकनेस का आता है। यू कैन सी कि इसमें डार्क शेड ज़्यादा है और इसमें डार्क शेड रिलेटिवली कम है।
इसकी आप लेग्स की विड्थ देखें तो ये बिल्कुल पतली सी टांगें हैं, और मेल की टांगें देखें आप माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी होती हैं। तो ये आपके पास तीन तरीके हैं विदाउट वेंटिंग आप इनकी डे ओल्ड पे सेक्सिंग कर सकते हैं। थैंक यू फैसल भाई, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो नाज़रीन, आपने जान लिया होगा कि किस तरह आप जो है वो बिल्कुल छोटे चिक्स में डे ओल्ड में भी सेक्सिंग कर सकते हैं। ये तो अभी हमने बार्ड प्लाइमाउथ रॉक की बात की है, हम इंशाल्लाह आपको बाकी ब्रीड्स की भी सेक्सिंग के हवाले से लेके आएंगे और एक जनरल जो है ओवरऑल भी जो है वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि ओवरऑल किसी भी ब्रीड की आप जो है वो कैसे डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम बार्ड प्लाइमाउथ रॉक्स में डे ओल्ड चिक्स के या वीक ओल्ड चिक्स के जो है ना मेल और फीमेल चिक्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनमें जो है ना पहचान करने में हमें बहुत आसानी से दो तीन हमने निशानियां देखी जिससे हम बहुत आसानी से जो है वो उनका फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि कौन सा चिक मेल है कौन सा फीमेल है। ये सेक्सिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हमारे जो ब्रीडर हजरात हैं वो जो है ना डे ओल्ड या वीक ओल्ड चिक्स बेचते हैं, तो उसमें जो आगे कस्टमर की डिमांड होती है कि मुझे इतने फीमेल्स चाहिए मुझे इतनी मेल्स चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चिक फीमेल है कौन सा मेल है। और जो ख़रीदने वाला है उसके लिए भी बड़ी आसानी है कि वो देख के ले सकता है कि मैं कितने फीमेल चिक्स ले रहा हूँ कितने मेल चिक्स ले रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ से आपको बाखबर किया जा सके। तो खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।